इस वीडियो में हम स्प्लाइन कमांड के बारे में सीखेंगे। अगर आप स्प्लाइन कमांड को एक्सेस करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने होम टैब के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपने ड्रा पैनल में आना है। ड्रा पैनल के बॉटम में हमारे पास एक एरो मौजूद है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। हमारे पास इस लिस्ट में हमारे पास मल्टीपल कमांड मौजूद है। इसमें से कमांड जो है वो स्प्लाइन कमांड है। आज इस वीडियो में हम स्पेशली स्प्लाइन कमांड के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर पेन कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास जो स्प्लाइन कमांड है ऑटोकैड में, इसको अगर आप शॉर्टकट के जरिए आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से spl टाइप करेंगे, तब भी आपके पास जो है स्प्लाइन की जो कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो मैं यहाँ से हमारे पास जो स्प्लाइन कमांड है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। जैसे मैं स्प्लाइन की जो कमांड है इसको मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ शॉर्ट फ्यू जो है या कुछ शॉर्ट मेन्यू के लिए हमारे पास यहाँ पर अपेयर हो जाते हैं कमांड बार में। इसमें पहले जो है वो है हमारे पास मेथड। तो सबसे पहले हम मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप मेथड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप मेथड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास जो है मजीद दो ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले हो जाते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन पर। इसमें पहले जो ऑप्शन है वो फिट। अगर आप स्प्लाइन फिट जो है आप ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से फिट के ऑप्शन को यूज़ करके आप जो है स्प्लाइन जो है फिट ऑप्शन के साथ आप ड्रा कर सकते हैं। अब जो हमारे पास स्प्लाइन फिट है और स्प्लाइन सी है, इसको जो डिफरेंस है वो बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम जो दोनों स्प्लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं। अगेन आप स्प्लाइन के ऊपर क्लिक कर लें और यहाँ से मेथड के ऊपर क्लिक कर लें। हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो सी वी है। सी वी स्टैंड फॉर कंट्रोल वर्टेक्स, ठीक है। अगर आप कंट्रोल वर्टेक्स के साथ जो है स्प्लाइन को ड्रा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सी वी के ऊपर क्लिक करें और इस तरह जो है आप ऑटोकैड के स्क्रीन पर जो है स्प्लाइन को ड्रा करना शुरू करें, ठीक है। इसके बाद आप एंटर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। अब हमारे पास ये जो स्प्लाइन है इसको स्प्लाइन पिट कहते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो सेकंड वन है इसको स्प्लाइन सी वी या स्प्लाइन कंट्रोल वर्टेक्स कहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इसके ऊपर जब आप क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो है स्क्वायर बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्प्लाइन है, ये जो इसके पॉइंट है ना इसके साथ बिल्कुल जो हमारे पास जो स्प्लाइन बन रहा है इसके साथ बिल्कुल पिटी है, इसको स्प्लाइन पिट कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ राउंड टाइप के जो है कुछ डॉट जो है वो शो हो रहे हैं ऑटोकैड के स्क्रीन पर, इसको कंट्रोल वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। इसके जरिए जो है आप जो स्प्लाइन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको आप आगे पीछे करके आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और इसके ऊपर आप कर्सर को लेकर जब आप होल्ड कर लेते हैं तो हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्चुअल मेनू जो है वो डिस्प्ले हो जाती है ऑटोकैड के स्क्रीन पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेच पिट पॉइंट, ठीक है। हमारे पास ये जो पिट पॉइंट है, ठीक है, अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसकी लोकेशन डिस्प्लेस करना चाहते थे तो हम यहाँ से स्ट्रेच पिट की ऑप्शन यूज कर, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, इसको अगर आप स्ट्रेच करना चाहते तो आप इसके ऊपर कर्सर को लेकर होल्ड करें और इसके बाद फिर आप स्ट्रेच पिट पॉइंट के ऊपर क्लिक करें तो जहाँ रिक्वायर्ड हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप जो है प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हमारे पास जो पेट पॉइंट है इसके ऊपर आप कर्सर ले जाएं। हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है एट पेट पॉइंट, ठीक है, हमारे पास ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला और ये वाला या ये वाला और ये वाला, यानी कोई भी जो फिर आप पेट पॉइंट से, ठीक है, इनके दरमियान अगर आप कोई मजीद जो पेट पॉइंट है वो आप ऐड करना चाहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल में इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट जो है वो ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसके ऊपर कर्सर को लेकर होल्ड करें, एट पेट पॉइंट के ऊपर क्लिक करें। सो जहाँ पर आपको पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो आप जो है उस जगह पर आप क्लिक करेंगे, उस जगह पे हमारे पास जो है एक मजीद जो पेट पॉइंट है वो जो है प्लेस हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगेन इसके ऊपर आप कर्सर को लेकर होल्ड करें। इसमें हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो रिमूव पेट पॉइंट, ठीक है, अगर आप कोई भी पेट पॉइंट आप रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से जो आखिरी ऑप्शन है इसको आप यूज़ करते हुए जो है आप जो पेट पॉइंट है वो आप स्प्लाइन से रिमूव कर सकते हैं, इसके दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो है इसके अंदर भी तकरीबन ये
ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है एड वर्टेक्स, रिफाइन वर्टेक्स एंड रिमूव वर्टेक्स, इसमें स्ट्रेच वर्टेक्स ये तो ऊपर वाला जैसे कि स्प्लाइन पेट में हम डिस्कस किया बिल्कुल वही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद है एड वर्टेक्स, इसमें एक और मजीद ऑप्शन जो है वो एड किया हुआ है रिफाइन वर्टेक्स। अगर हमारे पास ये जो कंट्रोल वर्टेक्स है, ठीक है, अगर आप इसको फाइन करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसको मजीद फाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रिफाइन के ऑप्शन यूज करके आप इसको रिफाइन कर सकते हैं जैसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब आप रिफाइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास जो एक कंट्रोल वर्टेक्स होता है वो दो में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्लिक करें, वैसे रिफाइन वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करें तो इस तरह हमारे पास जो है एक कंट्रोल वर्टेक्स दो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको फिर आप यूज करके हमारे पास जो स्प्लाइन है जो कंट्रोल वर्टेक्स के थ्रू हमने ड्रा किया है इसको आप मजीद जो है रिफाइन कर सकते हैं, इसके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगेन आप इसके अंदर जो और ऑप्शन है इसको समझने के लिए अगेन आप स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करें, स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है नॉट्स का, ठीक है। तो सॉरी नॉट्स को समझने के लिए सबसे पहले जो है मैं लाइन कमांड के जरिए कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो ऑटोकैड के सिंपल ड्रा कर लेते हो, ठीक है। इसको आप जो है जो हमारे पास जो स्प्लाइन है इसको स्प्लाइन पाथ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके जरिए इस हमारे पास जो पाथ हमने ड्रा किया, ठीक है, लाइन कमांड के जरिए इसको यूज करते हम स्प्लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से स्प्लाइन की जो कमांड है इसको आप पिक करें, स्प्लाइन को पिक करने के बाद फिर आप यहाँ से नॉट के ऊपर क्लिक करें। जैसे आप नॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है मजीद तीन ऑप्शन जो है वो अपेयर हो जाते हैं, डिस्प्ले हो जाते हैं, कॉर्ड, स्क्वेयर रूट एंड यूनिफॉर्म। इन ऑप्शन को यूज करने से पहले मैं आपको एक चीज जो है वो समझाना चाहता हूँ, ठीक है। हमने गूगल में यहाँ पर सर्च किया, ठीक है, स्प्लाइन स्प्लाइन कमांड एंड ऑटोकैड, ठीक है। और जो स्प्लाइन कमांड ऑटोकैड 2021 है, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करके तो आपके पास जो है एक और टैब ओपन हो जाएगी। तो इस जो हमारे पास ये जो आर्टिकल है ऑटोडेस्क की, ठीक है, जो वेब पेज है इसके अंदर जो है हमारे पास जो स्प्लाइन कमांड है इसको कंप्लीट जो है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, इसके स्प्लाइन कमांड के बारे में थ्योरी पढ़ने का तो आप यहाँ पर आके इसके बारे में जो है थ्योरी रीड करके आप मजीद जो है इसके बारे में नॉलेज जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो चीज़ आपको समझाना चाहता था वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे तो हमारे पास नॉट्स के एक ऑप्शन मौजूद है जिसके हमने भी उसके ऊपर काम करना है, ठीक है, इसको हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अगर आप नॉट्स को समझना चाहते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो तीन ऑप्शन मौजूद है कॉर्ड, स्क्वेयर रूट एंड यूनिफॉर्म, अगर आप इन ऑप्शन को समझना चाहते हैं, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है तो आप गूगल में जाकर इसको आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास गूगल की एक्सेस नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप जो हमारे पास ऑटोकैड है इसकी हेल्प को यूज़ करते हुए भी आप जो है स्प्लाइन कमांड के बारे में जो है आप जो है तीर जो है वो आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ स्प्लाइन कमांड, ठीक है, और उसके बाद फिर आप सर्च करें। सर्च करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं स्प्लाइन कमांड। तो आई थिंक ये सेम वही थ्योरी है जो हमने गूगल में सर्च की थी। तो यहाँ पर आप ऑटोकैड की जो हेल्प है, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए भी आप स्प्लाइन कमांड के बारे में जो नॉलेज है वो आप एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है एक डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल लिखी हुई है स्प्लाइन कमांड के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप यहाँ पर आके आप इसको रीड करके आप इसको मजीद जो है वो आप समझ सकते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो हम बात कर रहे थे नॉट्स के बारे में, ठीक है, तो मैं ऐसे नॉट्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। नॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद पहला जो ऑप्शन है वो कॉर्ड है, ठीक है। थ्योरी आप गूगल में जाके या ऑटोकैड की हेल्प में जाके आप इसके बारे में थ्योरी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कॉर्ड। सो मैं ऐसे जो है कार्ड के थ्रू जो है एक स्प्लाइन जो है वो ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, इस हमारे पास से जो पाथ है इसको यूज करते हुए। और इस तरह जो है हमारे पास जो है एक स्प्लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगा। स्प्लाइन को ड्रा करने के बाद मैं एंटर कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पैनल में जाके इसको मैं कलर देता हूँ जी रेड, ठीक है। अगेन मैं यहाँ से स्प्लाइन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से नॉट्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो स्क्वेयर रूट है। तो इस तरह हम स्क्वेयर रूट को यूज़ करते हुए हमारे पास जो पाथ है, ठीक है, स्प्लाइन पाथ, इसके ऊपर हम एक और स्प्लाइन जो है वो ड्रा कर लेते हैं और कीबोर्ड से एंटर कर लेते हैं। जो सेकंड स्प्लाइन हमने ड्रा किया इसको हमने सही किया और प्रॉपर्टीज पैनल में जाके यहाँ से इसको हमने इसका जो कलर है वो हमने चेंज किया, ठीक है। अगेन हम यहाँ से स्प्लाइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से नॉट्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं।
नोट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो यूनिफॉर्म का है। ठीक है, अगर आप यूनिफॉर्म स्प्लाइन को ड्रा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूनिफॉर्म के ऊपर क्लिक करके हमारे पास से जो स्प्लाइन पद है ठीक है इसको फॉलो करते हुए जो है आप एक स्प्लाइन जो है वो ड्रा करें। ठीक है, और जब भी आप इसको ड्रा कर लेते हैं तो आप कीबोर्ड सेंटर प्रेस करें। कीबोर्ड सेंटर प्रेस करने के बाद हमारे पास जो आखिरी स्प्लाइन है इसको आप सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज पैनल में जाके यहाँ से आप इसका कलर जो है वो आप चेंज करें। तो इस तरह हम तीनों नॉट्स के अंदर हमारे पास जो तीन तरीके मौजूद है ठीक है स्प्लाइन ड्रा करने का, इनको यूज़ करते हुए हम इस तरह जो है तीन किस्म के जो स्प्लाइन है वो ड्रा कर सकते हैं। अब जैसे नॉट्स के ऊपर क्लिक करके ठीक है, अब जिसके पहले हमने बताया कि कॉर्ड का क्या मतलब है, स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है ठीक है, वो आप थ्योरी में जाकर आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम इसको आपको समझाएंगे तो इसमें हमारे पास जो वीडियो ट्यूटोरियल है ठीक है बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे जो लिसनर है और इसके लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, तो इसलिए ये जो थ्योरी है ये हमने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, आप ऑटोकैड की हेल्प में जाकर या गूगल में जाकर आप इसको सर्च करके इसको आपको अपने तौर पर समझने की कोशिश करें। तो अब बढ़ते हैं जी हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करें और हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है वो ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट इसको देख के एक कॉमन सेंस की बात है कि इसका मतलब है कि हमारे पास ऑटोकैड के स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट है इसको हम बासानी जो है स्प्लाइन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो चलो ट्राई कर लेते हैं, मैं यहाँ से एक सर्कल ले लेता हूँ और एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ ठीक है, इसके बाद मैं एक ले जाता हूँ यहाँ से जी पॉलीलाइन ठीक है। अब ट्राई कर लेते हैं कि हम इसको आया कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं स्प्लाइन में या नहीं। तो हम ऐसे स्प्लाइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें और जस्ट ट्राई दिस वन ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आ रहा है कि ठीक है। अब इसके बाद फिर आप कीबोर्ड सेंटर प्रेस करें तो अनएबल टू कन्वर्ट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, हमारे पास जो पॉलीलाइन है सिंपल जो पॉलीलाइन है इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेट्स ट्राई दिस सर्कल ठीक है, यहाँ से आप स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करें, स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें और हमारे पास ये सर्कल या जो रेक्टेंगल उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आई थिंक ये भी कन्वर्ट नहीं होगा, अनएबल टू कन्वर्ट द सेलेक्टेड पॉलीलाइन। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है जब आप यहाँ से स्प्लाइन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं ठीक है तो और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक मैसेज मिल रहा है कि सेलेक्ट स्प्लाइन पेट पॉलीलाइन ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो हमारे पास स्प्लाइन पेट पॉलीलाइन हो ठीक है। अब हमारे पास ये पॉलीलाइन तो है ठीक है, लेकिन पेट स्प्लाइन पेट नहीं है ठीक है। तो इसको पेट पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास जो है एक कॉन्टेक्स्चुअल मेन्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है पॉलीलाइन, पॉलीलाइन के ऊपर जैसे आप कर्सर को ले जाते हैं तो हमारे पास जो है एक और विंडो जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है स्प्लाइन पिट, तो आपने स्प्लाइन पिट के ऊपर क्लिक करना है ठीक है। जैसे आप स्प्लाइन पिट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास जो पॉलीलाइन है इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है ठीक है। अब आप इसके ऊपर जब आप कर्सर को ले जाते हैं तो यहाँ पर हमें जो प्रॉपर्टीज शो रही है इसकी, 2D पॉलीलाइन है, कलर जो है वो बाइलेयर है ठीक है, लेयर जीरो और सर लाइन टाइप बाइलेयर। अब इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ठीक है ये हमारे पास ये 2D पॉलीलाइन है। अब हम ट्राई कर लेते हैं इसको स्प्लाइन में कन्वर्ट करने की, तो मैं यहाँ से स्प्लाइन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें, ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप स्प्लाइन पिट पॉलीलाइन के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद फिर आप कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें। अब आप इसके ऊपर कर्सर को लेकर होल्ड करें तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो 2D पॉलीलाइन था हमारे पास स्प्लाइन में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब ये कि हम ऑटोकैड में जो सर्कल है, रेक्टेंगल है या सिंपल पॉलीलाइन है या और किस्म के जो ऑब्जेक्ट है इसको हम स्प्लाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट हमारे पास जो 2D पॉलीलाइन है ठीक है। आई होप के यहाँ तक आप जो लेसन थी वो आप सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद है वो स्प्लाइन सीवी है। सो यहाँ पर स्प्लाइन जो सीवी है इसको हमने बताया आपको कि आप किस तरह कंट्रोल वर्टेक्स के थ्रू जो है आप स्प्लाइन को ड्रा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे एक जो है स्प्लाइन सीवी को यूज करते हुए एक स्प्लाइन जो है वो ऑटोकैड के स्क्रीन पर ड्रा कर लेता हूँ ठीक है। तो जैसे कह दे सकते हैं हमारे पास जो है ये SP सीवी है ठीक है, स्प्लाइन सीवी।
इसमें हमारे पास जो है कंट्रोल वर्टेक्स मौजूद है। आई होप कि यहाँ तक हमने जो भी डिस्कस किया स्प्लाइन कमांड के बारे में वो आप सीख चुके होंगे। सो स्प्लाइन कमांड में हमारे पास जो है दो आखिरी ऑप्शन रह गए, एक टेंजेंसी की जो ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन टॉलरेंस का है। तो चलिए इन दोनों ऑप्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो टेंजेंसी है इसको समझने के लिए हम लाइन कमांड को यूज़ करते हैं। वे टू गेट के स्क्रीन पर कुछ ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके एक ऑब्जेक्ट है और फिर उसके बाद हम यहाँ से स्प्लाइन की जो कमांड है इसको हम यहाँ से पिक कर लेते हैं। कमांड को पिक करने के बाद फिर आप यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से स्टार्ट टेंजेंसी के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद फिर आप यहाँ से एंड टेंजेंसी के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप इस लाइन के ऊपर क्लिक करें। तो हमारे पास से जो स्प्लाइन है हमारे पास एक लाइन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और एक यहाँ लाइन मौजूद है। तो हमारे पास से जो स्प्लाइन है ये इस लाइन के साथ स्टार्ट टेंजेंट हो रहा है, ठीक है, इसके साथ और एंड हो रहा है इसका यहाँ पर, ठीक है। तो ये टेंजेंसी की ऑप्शन है। जो आखिरी ऑप्शन है हमारे पास वो टॉलरेंस का है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप यहाँ से स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करें, स्प्लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आप जो है ऑटोकैड के स्क्रीन पर क्लिक करें और यहाँ से आप टॉलरेंस के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। सो हमारे पास अभी जो पेट टॉलरेंस है वो ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल हमारी जो रिक्वायरमेंट है टॉलरेंस वो पाइप है, तो आप कीबोर्ड से पाइप टाइप करके एंटर करें और उसके बाद जो है आप स्प्लाइन करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आप दोनों में जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्प्लाइन है और पिट पॉइंट है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जो टॉलरेंस है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहले वाला स्प्लाइन है इनके दरमियान जो टॉलरेंस है वो ज़ीरो है, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास जो स्प्लाइन है इनके दरमियान जो पिट पॉइंट और जो स्प्लाइन है इनके दरमियान जो टॉलरेंस है वो 5 यूनिट है। तो आई होप कि आज की जो लेसन थी वो आप कंप्लीट सीख चुके होंगे। फिर भी कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, वो समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बस कुछ करते हैं, हम हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।